पर्वत जिसको हिमालय कहते हैं, अगर वो जल ही हो तो क्या उनके अतिरिक्त किसी हिमालय नामक व्यक्ति की दुहिता पुत्री बहुशो हिमानवमाथी भगवती पार्वती, जिनको नेत्रों के द्वारा हम देख करके कहते हिमालय है, उन्हीं के आदिदैविक स्वरूप से तो बहुशो हिमानवमा पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। नभो मंडल में नेत्रों के द्वारा जो सूर्य हमको दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हीं के वंश में तो भगवान राम भद्र का प्रादुर्भाव हुआ। नेत्रों के द्वारा नभो मंडल में जो हमको चंद्रदेव का दर्शन होता है, उन्हीं के वंश में तो कौन श्री कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा जी जिनको हम आंखों से देख रहे हैं, उन्हीं के आदिदैविक स्वरूप से भीष्म पितामह वेदव्रत देवव्रत का जन्म हुआ। सूर्य जिनको कहते हैं, उन्हीं के अंश से कर्ण का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या है? हर वस्तु के जो आदिदैविक दृष्टि से हर वस्तु चेतन है, इसलिए दातवन के लिए जो काष्ठ तैयार करते हैं वहां भी वनस्पति से आज्ञा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद पृथ्वी पर पांव रखते हैं, भगवती वसुंधरा से क्षमा मांगते हैं। वैयाकरणों के अनुसार नदी का रूप, पर्वत का रूप, ये सब चलाइए। आखिर संबोधन में, संबुद्धि में, संबोधन में क्या करेंगे? चेतन मान के करेंगे धर्म, नहीं तो संबंध विभक्ति तो हो, संबोधन ना हो। संबोधन करते हैं इसका मतलब कोई वस्तु वैयाकरणों की दृष्टि में भी जन नहीं है ना, जन तो संबोधन क्या करेंगे? हे घरी देवी, क्या कहेंगे? रोहन देंगे। इसका मतलब जिनको हम जल मानते ही मानते हैं, नदी का रूप भी चलेगा या नहीं? जिनको बिल्कुल जड़ मानते हैं उनका जो रूप चलेगा, तो संबोधन में भी शब्द रूप चलेगा या नहीं? तो संबोधन में शब्द रूप चलेगा तो उनको जड़ मान कर संबोधन किया जाएगा या चेतन? जड़ को चेतन मान करके संबोधन किया जाएगा तो औपचारिक होगा, या प्रयोग करने वाला जो है विक्षिप्त माना जाएगा या